अस्सलाम वालेकुम। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हमने डेफिनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई किन मॉलिक्यूल के दरमियान में जाती हैं, ये चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है जी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले नंबर पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज का फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या असर होता है, ये दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे। सही है, हेडिंग दे दो, इफेक्ट्स ऑफ या डिपेंडेंस लिख लो बस, डिपेंडेंस कहते हैं इन्हसार को, मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किन किन चीज़ों पे इन्हसार कर रही होती है। तो इसका अगर बेसिकली देखा जाए ना, पहला जो इन्हसार है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, पहला जो इन्हसार है वो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस पे, डिफरेंस से ये हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अच्छा, याद रखिएगा, जब दो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ जाता है, उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स की जो मिकदार है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि वो स्ट्रोंगर हो जाती हैं। सही है, यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स का, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखा जाए, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है हमारे पास, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने के साथ साथ डाइपोल डाइपोल फोर्स की जो स्ट्रोंगनेस है, ये कितनी ताकतवर है, वो भी बढ़ जाती है विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने के साथ, डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू एटम्स कर लो, बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बिकम स्ट्रोंगर, द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बिकम स्ट्रोंगर, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ताकतवर हो जाती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मुराद क्या है? देखो, मेरे पास ना एक ये वाला बॉन्ड है सी सी एल का, एक मेरे पास ये वाला बॉन्ड है सी एफ का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, देखो क्लोरीन, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे ना, ये आपको मिल जाएगी 2.5 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे 2.5 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब ये है कि दोनों में फ़र्क, यानी इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा, यानी कि 3.2 माइनस 2.5, ये हमारे पास आ जाएगा 0.7। अगर इन दोनों का फ़र्क करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.0 माइनस 2.5 और आंसर विल बी 1.5। जहाँ पे फ़र्क ज़्यादा होगा वहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेज भी स्ट्रोंगर होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होगी। ये बात आपने याद रखी, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क बढ़ता है तो उसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाती है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला कितना है। देखो, अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, दो मैं मखनातीस लेता हूँ, एक मखनातीस मैंने लेके यहाँ पे इतना करीब रखा, इतना करीब, और एक मखनातीस लेके मैंने एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा, आपने खुद मुझे सोच के बताना है कि किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जहाँ पे हमने करीब रखा है, जहाँ पे हमने करीब रखा है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ से पावरफुल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब मैंने दूर किया शायद ये एक दूसरे को खींचे ही ना, शायद, अरे खींच भी रहे होंगे ना तो इसकी मिकदार बहुत कम होगी, मिकदार क्या होगी इसकी, बहुत कम होगी। सेम काम होती है जी, देखो ये है डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल को आपस में खींचने वाली ताकत है, यानी ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब देखो, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जितना फासला कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, अगर फासला बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, बस ये बात आपने याद रखनी है। सही है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या है, इन्वर्सली, मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीकर हो जाती हैं।
विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब देखो जी, हमारे पास जिस तरह डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल के दरमियान में बढ़ता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स बिकम वीकर, डाइपोल फोर्सेस बिकम वीकर, ये क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। सही है, ये बात आपने याद रखी। ये ले जी, हमारे पास दो फैक्टर थे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है ना बच्चे, वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन डाइपोल फोर्सेस, या इफेक्ट ऑफ डाइपोल फोर्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये नेक्स्ट हेडिंग है, इफेक्ट ऑफ डाइपोल फोर्सेस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डाइपोल फोर्सेस का क्या असर होता है। अब देखो जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर मैं सिंपल बात कहूँ ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप ऑब्जर्व कर सको, देख सको, उसको नोट कर सको, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो मैं कहता हूँ जी, ये मेरे पास कलर है, तीन कैप है, इनका रंग क्या है, इसका ब्लैक है, इसका रेड है, इसका ब्लू है, ये देखो जी नोट कर सकते हैं कलर क्या है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं दो चीज़ें ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसमें से कौन सी चीज़ भारी है, मैं कहता हूँ जी मैंने एक लोहे की सलाख ले ली है, एक लकड़ी ले ली है, इनमें से कौन सी चीज़ भारी होगी। लोहे की सलाख क्या होगी हमारे पास, भारी होगी, जबकि लकड़ी क्या होगी, हल्की होगी। ये भी क्या हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। सही है, इसी तरह क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, क्या इनको नोट किया जा सकता है। जिनको नोट किया जा सके वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को नोट किया जा सकता है। अच्छा आप याद रखिएगा, असल में काम क्या हो रहा था, जब कोई चीज़ मेल्ट होती है, बॉयल होती है, क्या काम हो रहा था। सही, अब अगर कोई चीज़ बिल्कुल सॉलिड फॉर्म है ना, ये आपका मैं से पढ़ा हुआ है, अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म है ना, उसमें मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, और इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। जैसे आप इसको हीट करते हो, हीट करने की वजह से कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये ऐसा ऐसा एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। और ये वाली कंडीशन होती है लिक्विड में, ये किस में होती है, लिक्विड में। और इसमें क्या होती है, दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आ जाती हैं मॉलिक्यूल के दरमियान में। अगर आप इसको मजीद गर्म करो, गर्म करो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। वो गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी सारे फासले पर होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ समझाने वाली है कि अगर यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हुई कमज़ोर, तो ये आसानी से लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जहाँ पे वीक होती हैं, आपका पेट्रोल जो है, इसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखोगे ना, ये ऐसे ऐसे उड़ जाता है। क्या होता है, ऐसा ऐसा ये काम होता है कि ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे यहाँ से निकलते रहते हैं। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट हुई, स्ट्रोंगर हुई, वो कभी भी उड़ेगा नहीं। आप शहद रख दो, शहद के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, शहद को बाहर रख दो, वो काफ़ी अर्से तक वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, वो नहीं उड़ेगा। पानी भी कुछ हद तक उड़ जाता है, लेकिन हमारे पास जो शायद ये काफ़ी देर तक, काफ़ी अर्से तक पड़ा रहता है। मतलब जितनी ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज किसी भी कंपाउंड के अंदर होती हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सही है, इफ अ कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड हैव स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर किसी कंपाउंड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, देन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के हैव हाई। अब कौन कौन सी चीज़ें हाई हो जाएंगी, पहले नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट, बेशक पूरा वर्ड लिख लीजिएगा, इसके अलावा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डेंसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। बस इतनी ही बात बहुत है। सही, अगर इस टॉपिक में मेनली अगर बात करूँ ना डाइपोल फोर्सेज में, बच्चे मैंने कल भी कहा था डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल,
तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।